वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़े जाने का विरोध हो रहा है। सड़क पर जाम करके सैकड़ों की संख्या में नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम मीडिया के नजर में पीड़ित है। कुछ वामपंथी मीडिया इनको पीड़ित बताती है। वही परेशानी होने के कारण विरोध करने वाले स्थानीय लोग हिंदू कट्टरवादी है। द गार्डियन ने तो सरकारी स्थलों को नमाज साइट्स ही घोषित कर दिया है और हिंदुओं पर फूट डालने का आरोप लगा दिया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान कह रहा है कि गुरुग्राम अब धार्मिक युद्ध क्षेत्र बन गया है। उन्होंने लिखा है कि स्थानीय लोगों को हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ घोषित करते हुए बताया गया है कि वो भगवा वस्त्रों में रहते हैं और साथ ही जय श्री राम और देशभक्ति के नारों को भी कट्टरवादी बताकर पेश किया गया है। इस लेख में द गार्डियन ये मान रहा है कि ये कार पार्किंग की जगह है, लेकिन उसे एक दशक से भी अधिक समय से यहाँ जुमे की नमाज पढ़े जाने की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो इस पर क्या करें। इस पर भी अफसोस जाहिर किया गया है कि 15 लाख की जनसंख्या वाले इस शहर में सिर्फ 15 मस्जिद है। ये सबसे पहले तो गार्डियन को ये जवाब देना चाहिए कि सरकारी जमीन नमाज साइट कब से बन गई। क्या अगर किसी खाली जमीन पर कोई नमाज पढ़ दे तो वो नमाज साइट कैसे बन जाएगा। सड़क पार्किंग, स्कूल के मैदान, सोर्सर्स की प्लेग्राउंड्स और सरकारी जमीन, ये सब नमाज साइट्स कब और कैसे बन गए। नमाज क्या घर में नहीं पढ़ी जा सकती। जो खुले में नमाज पढ़ने की व्यवस्था की बात की जा रही है, ऐसे तो नहीं है कि सारे मुस्लिम बेघर हैं। अब हम आपको यूएई के बारे में बताते हैं, जहां के अधिकारी मजहबी इस्लाम और वहां की 90% जनसंख्या सुन्नी मुस्लिम है। यहां पर सड़क किनारे नमाज पढ़ने और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके लिए 20,000 से अधिक रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अबू धाबी पुलिस ने इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया, क्योंकि इससे ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है। जब इस्लामी मुल्कों में इस पर प्रतिबंध है, फिर लगभग 80% जनसंख्या वाले धर्मनिरपेक्ष भारत में इसकी उम्मीद कैसे की जा सकती है कि सरकारी जमीनें नमाज के लिए हवाले कर दी जाए। आखिर में उन लोगों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है जो कहते हैं कि उनका घर मुस्लिमों के लिए नमाज पढ़ने के लिए हाजिर है, क्योंकि बाहर हिंदू उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनसे बस एक सवाल है कि अगर नमाज घर में ही पढ़ना है तो क्या ये लोग सड़क पर उतरते, वो अपने घर में नहीं पढ़ लेते। असली उद्देश्य तो सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर अपना दबदबा दिखाने का है, प्रशासन को झुकाने का और हिंदुओं को नीचा दिखाने का। ये लोग अपने घरों को मस्जिद क्यों नहीं बना देते। बेशक घर में नमाज पढ़ने बुलाए मुस्लिमों को, लेकिन घर को ही मस्जिद बना देना बेहतर विकल्प नहीं होगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज।